महेश त्यागुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस ने धमाकेदार कार्रवाई करते हुए ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान मुंब्रा पुलिस के नारकोटिक्स के PSI हर्षद काले और उनकी टीम ने तीनों ड्रग्स पेडलरों को दौड़ाकर पकड़ा है। इनके पास से 57 ग्राम MD बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 5,80,000 रुपये बताई जा रही है। दरअसल PSI हर्षद काले को जानकारी मिली थी कि मुंब्रा खड़ी मशीन रोड पर कुछ लोग MD लेकर आने वाले हैं, जिसके बाद रात करीब 12 बजे के बाद में PSI हर्षद काले अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और घेराबंदी की, जिसके बाद तीन लोग वहां पर पहुंचे और पुलिस को देखकर ये लोग भागने लगे। मगर मुंब्रा पुलिस की हर्षद काले की टीम ने इन तीनों ड्रग्स पैडलरों को दौड़ाकर पकड़ लिया है। मुंब्रा के रहने वाले हैं ये तीनों ड्रग्स पैडलर। इनका नाम है फिरोज खान, जिसकी उम्र 30 साल है, ये मुंब्रा के इंसा नगर का रहने वाला है। वहीं हिदायत 50 साल है, जो मुंब्रा के खड़ी मशीन रोड का रहने वाला है, और सैयद ये शीलफाटा का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि ये तीनों को पकड़ा गया है और पुलिस के लिए ये तीनों को पकड़ना एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। साथ ही पुलिस ने ये भी बताया कि इन तीनों से पूछताछ की जा रही है और भी आपराधिक मामलों में इनकी गतिविधियां होने की जानकारी सामने आ रही है। बहरहाल पुलिस ने इन तीनों ड्रग्स पेडलरों को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ आगे जारी है। किस तरह से इन तीनों को घेराबंदी करके मुंब्रा पुलिस की PSI हर्षद काली की टीम ने इन्हें पकड़ा है, देखिए। बात करते हैं, काम पे जा तू आ रहा है। बाप का घड़ा है।